ये सिरप महिलाओं के लिए होता है। जैसे कि इस सिरप का उपयोग महिलाओं में पीरियड से रिलेटेड समस्याओं में पीने के लिए दिया जाता है। जैसे कि ये देखा गया है पीरियड का जो टाइम होता है वो टाइम टू टाइम नहीं आता है। जैसे कि 10 दिन 15 दिन नीचे ऊपर यानी घट बढ़ करके आता है। कभी 15 दिन पहले पीरियड आ जाता है, कभी 15 दिन बाद में आता है। तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि किसी किसी महिला को पीरियड 1 महीना 2 महीना आता ही नहीं है, वो 1 महीने में कभी 3 बार आ जाता है या कभी 2 बार आ जाता है, या फिर इसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है पीरियड आने का, तब भी डॉक्टर के द्वारा इस समस्या में भी ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और इस सिरप का उपयोग महिलाओं में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है यानी महिलाओं में क्या क्या समस्या रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप पीना कैसे होता है, ये सिरप एक दिन में कितनी मात्रा में कितना डोज कैलकुलेट करके डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और इस सिरप का उपयोग महिलाओं से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत किस प्रकार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर महिलाओं में पीरियड से संबंधित अगर महिलाओं में कोई दिक्कत कोई परेशानी रहता है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि महिलाओं में ये समस्या देखा गया है जो उनका पीरियड का टाइम है ये टाइम टू टाइम नहीं आता है, पीरियड का जो टाइम होता है ये 10 दिन 15 दिन घट बढ़ करके यानी ऊपर नीचे करके आता है, या फिर पीरियड कंटिन्यू 1 हफ्ते तक लगातार आता रहता है, या फिर जैसे कि 10 दिन में पीरियड आ गया फिर 10 दिन बाद में फिर पीरियड आ गया, पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आता है। या फिर महिलाओं में ये भी देखा गया है कि किसी किसी का जो पीरियड होता है ये 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने तक पीरियड ही नहीं आता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा पीरियड की समस्या में ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, पीरियड से रिलेटेड समस्याओं को ये ठीक कर देता है। और जैसे कि ये सिरप वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या अगर किसी लेडीज़ को रहता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है, ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। और जैसे कि लेडीज़ में पीरियड के टाइम ये देखा गया है कि जब उनका पीरियड आता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है या फिर पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेट में ये दर्द रहता है, तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि औरतों में ये समस्या देखा गया है कि जब उनका पीरियड का टाइम होता है तो उस समय उनके पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, या फिर पीरियड आने के बाद में उनके पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा इस समस्या में भी ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि जब औरतों में पीरियड आता है तो उस टाइम उनके जो शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सा हो जाता है, उनका कोई काम करने का दिल नहीं करता है, उनकी बॉडी एकदम ढीली हो जाती है, तब उस समस्या में भी ये सिरप डॉक्टर के द्वारा पीने के लिए दिया जाता है। यह सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। यह सिरप काफ़ी अच्छा यूट्रेन टॉनिक होता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, ये सिरप डॉक्टर के द्वारा कैसे पीने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत और उसकी दिक्कत परेशानी उसके बॉडी वेट और उसकी उम्र को एक प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में जो इस दवा का डोज होता है डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि एडल्ट में जो इस सिरप का डोज होता है 10 ml सुबह 10 ml शाम को पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि यदि आप ये सिरप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद की समस्या आ सकती है यानी आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल सोने को करेगा, और जैसे आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। कभी भी कोई भी मेडिसिन कोई भी सिरप आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।